हेलो एंड वेलकम टू ऑल दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से हमारी सरकार जो है जनता को सुविधा के नाम पे पिटाइयां दे रही है और वर्चुअली काम कर रही है, चुनावी रैलीज कर रही है, अपने चुनाव के काम में प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और जो लॉकडाउन है, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ शहरों में 30 जून तक लॉकडाउन है, कुछ शहरों में धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली लॉकडाउन खुल रहा है। और हमने ये देखा है कि हमारे पास में लॉकडाउन प्रीपोन या पोस्टपोन कर सकता है इन्फेक्शन को, लेकिन हमारे पास में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, कोरोना के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कुछ भी बेसिक फैसिलिटीज या बुनियादी इंतजाम जिसको कहते हैं, वो हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोरिया, चाइना, ताइवान, इनके पास में एक उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड की, अब उनकी उनकी अगर हालत बिगड़ती है तो वो इस तरह से फाइट करने के लिए रेडी है। लेकिन हम लोग फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। हम कोरोना से फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गरीबी से फाइट नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी से फाइट नहीं कर रहे हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज से फाइट नहीं कर रहे हैं, हम जो एजुकेशन जो है हमारे यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, हम उस ऑनलाइन या वर्चुअल एजुकेशन के लिए हम फाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जो है हम हर बाउंड्री को पार करने के लिए तैयार है, हर हर्डल को क्रॉस करने के लिए तैयार है। यही जो हमारे देश में देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है बीजेपी सरकार चाइना के 7 किलोमीटर अंदर घुसाने को अनदेखा कर रही है, और जो है 7 झूठ बातें जो बीजेपी सरकार की है वो मैं आपसे बताऊंगी कि किस तरह से बीजेपी सरकार झूठ पे झूठ बोलती है और अपने ही नेताओं के बारे में झूठ बोलती है समटाइम्स, और एक नेता दूसरे नेता के बारे में भी जो है आलोचना करते रहता है, एक नेता दूसरे नेता को भी झूठा बता देता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो है कोरोना के मामले जो है 3 लाख से भी ज्यादा क्रॉस हो गए, लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी पार्षद जो है जनता के बीच में जाकर उनको फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको 5 किलो चावल और गेहूं, जो भी आपको चावल, कहीं जो चावल मिल रहे हैं, कहीं गेहूं मिल रहे हैं 5 किलो, तो वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ठीक से, कोई भी नेता जो है जाके चेक करने के लिए रेडी नहीं है। सब लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए हैं, सिर्फ ये लोग वोट देने के लिए, लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अभी क्योंकि चुनाव का माहौल है तो अमित शाह जैसे और स्मृति ईरानी जैसे कुछ नेता जो है अपने जुमले देने के लिए आ गए हैं मार्केट में, बाकी विधायक अभी फिलहाल अंदर घुसे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सरकार है ये बहुत आक्रोश वाली सरकार है, इनसे सवाल पूछने पे बेइज्जती करते हैं, इनके अंदर नफरत कूट कूट के भरी हुई है, इनके अंदर बराबरी करने की ताकत नहीं है विदेशों से, इसलिए ये सब लोगों की जो है बुराइयों पे बुराइयां करते रहते हैं। इनके अंदर वो ताकत नहीं है, इनके अंदर वो जोश नहीं है कि किसी भी चीज की बराबरी कर पाए, किसी टेक्नोलॉजी की बराबरी कर पाए या किसी देश की सरकार की बराबरी कर पाए। न्यूजीलैंड में हम देख रहे हैं, हम लोग जो है अमेरिका में देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में देख रहे हैं, और भी स्वीडन है, काफी सारे देशों ने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो है कोरोना से फाइट करने के लिए रेडी किया है, और देयर इज नो वे उनके यहाँ कोरोना संक्रमण इतनी बुरी तरह से नहीं बढ़ रहा है। हम लोग अब जो है 3रे नंबर पे आ गए हैं संक्रमित देशों की लिस्ट में, जहां पर हमारे यहाँ पे हालांकि सबसे लास्ट में कोरोना आया था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम लोग जो है 3 के पायदान पे आ गए कोरोना संक्रमण को लेकर। अब जो बात आ रही है कि बीजेपी की झूठी जो बातें हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। अंधभक्त चारों तरफ फैले हुए हैं और उनके अंदर किसी तरह की कोई आग नहीं है, बिल्कुल भी आग नहीं है कि वो जो है अपनी अपने अधिकारों के लिए लड़े, अपने रोजगार के लिए लड़े, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़े, अपने परिवार के लिए लड़े, अपने एजुकेशन के लिए लड़े, अपनी हेल्थ के लिए लड़े। सरकार ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया और वो सरकार के नाम पे मरने को तैयार है। नंबर वन है, सरकार ने कहा था कि हम सारे जो अप्रवासी भारतीय हैं जो भारत में आए हैं या जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, हम उनकी कोरोना टेस्टिंग करा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ बात है। कोई कोरोना टेस्टिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट क्वारंटाइन किया जा रहा है और स्क्रीनिंग हो रही है, जबकि दूसरे देशों में 24 घंटे में 2 बार कोरोना का जो है टेस्ट किया जाता है अगर कोई नागरिक कहीं से आता है तो, जो मैंडेटरी भी है। एक बार गलती से रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है तो अगली बार पॉजिटिव आती है, और कभी कभी बिना लक्षणों के भी कोरोना जो है नजर आता है, या कभी एक्टिवेट रहता है, कभी नहीं होता है। तो इस तरह से 24 घंटे में 2 बार कोरोना की जो है जांच करानी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है, सरकार ने कहा था कि 19 मार्च के बाद में कोई भी पीपीई किट जो है एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 अप्रैल को सर्बिया में 90 लाख टन मेडिकल सुविधाओं को एक्सपोर्ट किया गया है।
अब सरकार ने फिर झूठ बोला कि यात्रियों से टिकट के पैसे नहीं लिए गए, जबकि मैंने खुद देखा है यात्रियों से टिकट के पैसे लिए गए, उल्टा 200-250 रुपए बढ़ा चढ़ा के उनसे पैसे लिए गए हैं। फिर सरकार ने ये कहा चौथा झूठ कि हमने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ परिवार, कैन यू अंडरस्टैंड कितना झूठ है, कितना बड़ा मैथमेटिकल ब्लंडर है। तो सरकार ने कहा है कि हमने जो है अनाज दिया है, जबकि इतने तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, तो ये कैसे अनाज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है चौथे नंबर का। पांचवें नंबर का झूठ ये है कि 16 मई के बाद में कोरोना केसेस जो है रुक जाएंगे, ऐसा नीति आयोग का कहना था, पता नहीं कैसे कह दिया, जबकि 16 मई के बाद में धड़ल्ले से जो है कोरोना जस्ट डबल हो गया और अब ट्रिपलिंग की कगार पे है 16 मई के बाद से, मैं आपको बता दूं। उसके बाद में सरकार ने कहा है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो हमारी अर्थव्यवस्था का 10% है, जबकि अगर देखा जाए हमारी अर्थव्यवस्था और सारे खर्चों को अगर मिलाया जाए तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का मात्र और मात्र 0.91% है। उसके बाद में सरकार ने ये भी कहा है कि जो है जो किस्तें हैं वो आप लेट भर सकते हैं, लेकिन किस्तों में हम लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है, टैक्सियां बंद है, इंटरेस्ट लग रहा है, राइट, हम लोग स्कूल्स बंद है लेकिन फिर भी फीस लग रही है, राइट। उसके बाद में गेहूं चावल तो सरकार ने दे दिए मगर आटा चक्कियां बंद है, गेहूं चावल जो है देने थे दे दिए सरकार ने, जिनको भी गलती से दे दिए लेकिन आटा चक्कियां बंद है। उसके बाद में अनपढ़ नेता है, जुमलेबाजी है। अब मैं झूठ बता दूं आपको कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार जो है अपने ही बीजेपी के नेताओं को झूठा करार दे दिया है, राइट, और बहुत बार संबित पात्रा, जिनको गोबर पात्रा भी कहते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की, उनकी बात को झुटला दिया है गवर्नमेंट ने, जो एनजीसी के डायरेक्टर है, जो डॉक्टर होते हुए उनकी बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री ने कितने ही नेताओं की जो अनाउंसमेंट है उनको झुटला दिया है, कई बार झुटला दिया, कई बार जो है झुटला दिया है। अब जो है चीन के मुद्दे पे पूछा जाए तो बोले बात मत कीजिए, कोरोना के मुद्दे पे पूछा जाए तो बोले बात मत कीजिए, एजुकेशन के मुद्दे पे पूछा जाए तो बोले बात मत कीजिए, 7 किलो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक अगर चाइनीज मिलिट्री आ गई है तो बोले बात मत कीजिए। इस बार जो है चाइनीज मिलिट्री जो है अच्छी खासी तगड़ी तैयारी से आई हुई है, लेकिन राजनाथ सिंह जो है वो तैयारी से फाइट करने की बजाय उल्टे सीधे बदतमीजी और बेइज्जती के जो है वो बड़े बड़े शेर जो है राहुल गांधी को लिख रहे हैं, जिसका हमारे सुरक्षा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ खुद का खर्चा देखती है, पीएम केयर फंड देखती है, खुद की ओएनजीसी सेल जैसी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां जो है 400-500 करोड़ जो है 300-300 करोड़ जो है सरकार के पीएम केयर फंड में दे रही है, कैन यू अंडरस्टैंड, और बाद में लॉस बता के उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये सरकार का झूठ है जो मैं आप सब लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों के सामने जिनकी आंखों से जो है काली पट्टी हटने का नाम ही नहीं ले रही है। और अगर आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो यूएपीए के तहत आपको डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाता है, आप जेल में सड़ते रहिए। मैंने बहुत सारी फैमिलीज की स्टोरी देखी है, जो प्रोफेसर्स रहे हैं, जो लॉयर्स रहे हैं, जो सोशल वर्कर्स रहे हैं, उनकी फैमिली बहुत बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि उनको पिछले 2 महीनों से दिल्ली से तिहाड़ जेल से बॉम्बे शिफ्ट किया गया, बॉम्बे से नागपुर शिफ्ट किया गया, उनको जेल की हवा बुरी तरह से खिलाई जा रही है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, वो हमारे लिए लड़ रहे थे, जनता के लिए लड़ रहे थे, समाज के लिए लड़ रहे थे, हमारी देश की उन्नति और तरक्की के लिए लड़ रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो क्या यही सरकार है जो सवाल पूछने पर डायरेक्टली आपको इम्प्रिजन कर देती है, जो आपको जेल की धूल चटाती है, और यही हमारी सरकार का काम है? आई वंडर दैट इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम।